अलैकुम, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हरम है और ये हरम का अब्दुल अजीज़ गेट है। और अब्दुल अजीज़ गेट से जब आप सीधा आएंगे तो यहाँ पर बिन दाऊद, यहाँ का फेमस मार्ट मौजूद है। और यहाँ से बिन दाऊद चलते हैं और आज मैं आपको बिन दाऊद दिखाती हूँ जितना पॉसिबल हो सका। मैं लास्ट टाइम गई थी जब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत मज़े की चीज़ें भी मौजूद होती हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स वगैरह। उसके अलावा घर के भी तमाम जो राशन वगैरह होता है उस तरह की चीज़ें होती हैं। मार्ट है प्रॉपर, बहुत अच्छा। तो चलिए मार्ट में चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हर तरीके की चीज़ है। ये इनके कॉफ़ी कप्स हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी लग रहे हैं। मे भी 6 रियाज और 50 हलाला में आपको ये कॉफ़ी के कप्स मिलेंगे। इसके अलावा ये कॉफ़ी कप्स हैं। यहाँ पे कॉफ़ी कावा ये बहुत ज़्यादा होता है और बांटा भी जाता है, तो लोग इस तरह की छोटे छोटे मग्स कप्स ले लेते हैं। और ये देखें, ये 5 रियाल में मिल रहे हैं। 5 मतलब 1 रियाल का 1 है। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर कॉटन बर्ड्स वगैरह हैं, अलमराई, यहाँ पे अलमराई की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लबन तो इनका बहुत ही मज़े का होता है अलमराई वालों का। और इनकी डेट मिल्क है अलमराई का, ये भी बहुत मज़े का लग रहा है। इसके अलावा फ्रेश मिल्क भी है इनका, इसका एक्सपायरी डेट है आज 20th अक्टूबर है, तो 6 दिन वाला एक्सपायर इसका लिखा हुआ है। इसके अलावा इनका योगर्ट, दही बहुत मज़े का होता है। सब कुछ ही अच्छा है इनका। इनके ये भी हैं, ये डबल चॉकलेट मिल्क है अलमराई वालों का और बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैंगो मिल्क है एंड आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा और। यहाँ इनके ये चीज़ है, कर्ड चीज़, ये ग्रीक योगर्ट है, ये फ्लेवर्ड योगर्ट है, ये भी योगर्ट है, वैनिला, ये तो कस्टर्ड है, वैनिला कस्टर्ड, ये पीच योगर्ट है। और उसके अलावा ये दूसरी कंपनी है अल साफ़ी, उसके मिल्क वगैरह हैं और बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं। जूसेस हैं, मिल्क है, अलग से चॉकलेट है, ओरियो केक भी मौजूद है। कितने का है आई डोंट नो, मे बी ये है 13 रियाल्स। अब ये 13 रियाल्स का केक है तो बहुत ही महंगा है हमारे हिसाब से। तो इसके अलावा ये तो सब औजार मिल रहे हैं। यहाँ पे ये 30 रियाल्स के हैं, लेडीज़ ज़्यादातर ये पहनती हैं। इस तरह के ये नीचे से होते हैं और ये सॉक्स टाइप होते हैं, सॉक्स के, ताकि बासानी ब्राउन सके। उसमें ये भी दिए हैं थोड़े पतले वाले, बट ये 20 रियाल्स के हैं। हर कस्म के हैं, हर तरह के हैं। और यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम मौजूद है सारी। और ये हैं शैम्पू, लॉरियल का शैम्पू है 22 रियाल्स।
اس کے علاوہ یہاں پہ اسکنال بھی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ملتا ہے، 10 ریالز کا ہے، 10 ریالز 75 حلالہ، جس طرح ہمارے یہاں پیسہ ہوتا ہے. ویسے تو خیر اب ہمارے یہاں پیسے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہاں حلالہ ہوتا ہے اور ریالز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چاکلیٹس ہیں بہت ساری، بہت ہیوج مارکیٹ ہے. مے بی میں آپ کو یہ پوری نہ دکھا سکوں. یہ 4 ریالز کی ایک باؤنٹی چاکلیٹ ہے، اور یہ 3.5 ریالز، مطلب 3 ریالز 50 حلالہ. ڈفرینٹ پرائسز اینڈ ڈفرینٹ اینڈ یہ ٹی فلیور ہے، اور یہ مے بی ٹی بیگز ہوں گے، یا یہ ٹی ہے، نو یہ ٹی ہے، ٹی بیگز نہیں ہیں. اور یہاں لپٹن ٹی بھی، اور یہ والی جو لپٹن ٹی ہے یہ 4.95 ریالز، 5 ریال کی ہے، اور یہ ہے 18.95 ریالز، مینس 19 ریالز ہو گئے. اس کے علاوہ یہاں پہ ویڈیوز ہیں، 33 ریالز کا یہ پیک ہے، اینڈ ڈفرینٹ ریٹس ہیں، 67.75 ریالز، شہد، یہاں کا شہد تو بولتے ہیں کہ اچھا ہے، ہمارے یہاں جو ملتا ہے وہ بھی یہاں مل رہا ہے. یہ اور یہ اس کے پرائس ہیں، یہ اتنا سا جو ہے یہ 22 ریالز کا ہے. اور الشفا بھی ملتا ہے ہمارے یہاں، اتنا یہ 12.75 ریالز، 12 ریال 75 حلالہ. یہ کیا ہے؟ حلوہ ہے، اسٹیچو اینڈ آلمنڈس فلیور میں کچھ حلوہ ٹائپ ہے، اور چپس ہیں بہت، لیز، ہر طرح کے چپس ہیں. لیز مجھے سامنے نظر آ گئی کیونکہ یہ ہم بھی، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. یہ 7 ریالز کی ہے ایک، اور اس کے علاوہ بریڈ وغیرہ ہے. یہاں کی جو چھوٹی چھوٹی بریڈس ہوتی ہیں اس طرح کی، یہ بہت یم ہوتی ہے. میں اس کے پرائز کہاں لکھے، لیکن یہ بہت یم ہوتی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم ٹیسٹ کی تھی، ابھی بھی کریں گے. ابھی تو میں نے کہا کہ کچھ خریدنے سے پہلے بہتر ہے میں شیئر کروں. جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کی چیزیں، تو آسانی. اور کہاں، کس طرف جائے، اس طرف چلتے ہیں. اوٹس بسکٹ ہیں، بسکٹ ہیں بہت مزے کے، ڈفرینٹ فلیور، ڈفرینٹ چیزیں. ہم واپس اسی طرف آ گئے ہیں. یہاں چھوٹی گلیکسی ہے، یہ 3 ریال 75 حلالہ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ ٹیسٹ، ڈفرینٹ کمپنیز مل رہی ہیں چیزیں. لیکن یہاں پہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بیکری آئٹم، یہ جو ہیں بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہوتا ہے، یہاں فریش ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. یہ چیز ہے، اور یہ 5 چیز ہے، نو یہ کافی کے لیے وائٹنر ہے، کافی اور ٹی کے لیے وائٹنر ہے، اور یہ 5 ریالز میں، یہ 5 ریالز اور 25 حلالہ کے مل رہے ہیں. یہ بہت مزے کا ہوتا ہے، ان کے جو یہ ملک ہوتے ہیں فیور اچھے ہوتے ہیں. یہ گلیکسی کی ٹافی ہے، چاکلیٹ ٹافی، اور یہ جو ہے یہ 47 ریالز اور 25 حلالہ کی ہے.
इसके अलावा वहाँ पे कैंडल जो है भी है, और एक कैंडल जो है 3 रियाल 75 हलाला का है। मुझे लग रहा है मैं घूम कर दोबारा से वहीं आ गई हूँ जहाँ से गई, लेकिन खैर और चीज़ें भी देखते हैं आगे। गार्नियर का एक क्लिनजर मिल्क जो हमारे यहाँ पे मिलता है 30 रियाल्स का है, 45 हलाला। अब ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ भी यही होता है, अब हमारे यहाँ डुप्लिकेट चीज़ें इतने मिलती हैं कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत सीज़र है या 6 रियाल्स की सीज़र है। यहाँ पे सीज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लेडीज़ अपने साथ रखती हैं। यहाँ खूबसूरत खूबसूरत तस्बीहाँ हैं, और ये 22 रियाल्स की एक है, ये 18 रियाल्स की एक है, ये भी 18 रियाल्स की एक है, डिफरेंट प्राइस है। ये 10 रियाल्स की है, ये सिंपल जो थोड़ी सी उसमें है वो महंगी है, एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ये कुछ ये वाला काउंटर है, ये 3 रियाल्स का है, और ये मे भी हमारे यहाँ 30-40 में मिल जाता है। और सेफ्टी पिन्स हैं, ये 5 रियाल्स का है, और उस पर लिखा है अप्रोक्स ये जो है 50 पीसेज होंगी। ये 6 रियाल्स का है, इसके अंदर नहीं लिखा, इसके अंदर साइजेस मेंशन किए हुए हैं कि कितने साइज़ होंगे। यहाँ छोटे छोटे से जो है वो धागे और पिंस दी हुए हैं, अच्छा सा है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को एकदम धागे और पिंस चाहिए हो तो वो ले सकता है। और उसके अलावा ग्लासेस बहुत प्यारे, बहुत प्यारा लग रहा है, और ये 24 रियाल्स का है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत दिखने में, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है हर चीज़ की, परफेक्ट। यहाँ का ये बहुत मशहूर मार्ट है, मैं सबसे फेवरेट चीज़ मेरी जो है उसके सेक्शन में जाती हूँ और उधर देखती हूँ, और सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी हैंड बैग्स, वॉलेट, क्लचेस, ये हैंड बैग्स जैसे हमारे यहाँ हैं उसी टाइप के हैं। ये 155 रियाल्स का है, ये 159 रियाल्स का है, हमारे यहाँ से ज़्यादा महंगे हैं, मे भी हमारे यहाँ इतने सही मिल जाते होंगे। और ये देखें, ये भी 155 रियाल्स का है, और ये हैंड बैग है, ये बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। वॉलेट बहुत खूबसूरत से हैं, ये हमारे यहाँ भी मिलता है ऐसा बैग तो, और ये है 99 रियाल्स, 100 रियाल्स तकरीबन पाकिस्तानी, 4200, ये 55 रियाल्स। पर्स, बैग, हैंड बैग, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ सिर्फ ये मिल रहा है पाउच 24 रियाल्स का। हमारे यहाँ रीज़नेबल अगर हम देखें इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ है तो पड़ जाएंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये वाला बैग 145 रियाल्स का है, ये 155 रियाल्स का है, और ये बहुत अच्छे हैं, ये ट्रैवलिंग पाउचेस होते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, 45 रियाल्स के नहीं, ये कुछ बेहतर लगे। और भी हैं बैग्स, डिफरेंट तरह की वैरायटी है, यहाँ पे भी वो वाले मिल रहे हैं, और आई डोंट नो कि इसके क्या प्राइस है, लेकिन उसी टाइप के हैं। इस तरह से ये पैक हुए भी मिल रहे हैं अगर आप चाहें तो, मतलब इसके कुछ कलरफुल हैं, ये इस तरह के बैग्स भी हैं। और मुझे लग रहा है बहुत यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैरायटीज़ हैं, आप घूमते ही जाएँ घूमते ही जाएँ, और अगर आपने लेना हो तो आप शायद यही सोचते रहें कि मैं कौन सा लूं और कौन सा ना लूं। अब मैं एक एक चीज़ के प्राइस देखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा,
बस दिखाती चलूँ आपको कि इस तरीके की चीज़ है ताकि एक साथ में आप सब देख सकें और थोड़ा सा जो नहीं आया यहाँ पे वो भी इस तरह की चीज़ें देख सकें। इस तरह के क्लिप्स पे मैं इसलिए रुकी क्योंकि हमारे यहाँ मिलते हैं थोड़े सही, ये 45 रियाल्स का है सऊदी और इसके नग पे निकला हुआ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हैं और ये जो खजूर का पैक है 51 रियाल्स का है और ये 62 रियाल्स का है। यहाँ पे मुझे कुछ एक बैग कहूँ या क्या है वो नज़र आ रहा है, देखते हैं। ओके उम्रा के लिए यहाँ से हर तरह के लोग, ये 95 रियाल्स का मिल रहा है, ये इनका अपना जो है वो इम्बोज्ड हुआ हुआ इनका नेम और अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट और सब की एक प्रॉपर वो दी हुई है इन्होंने। और ये जो है ये बड़ा हम बचपन में बहुत खाया करते थे और ये 30 रियाल्स पर केजी है। यहाँ पे सबकी कीमतें मेंशन है और हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की वैरायटी है, सस्ते में भी महंगे में भी। और इनके अपने इम्बोज्ड हुए हुए बैग्स हैं। मज़े की चीज़ है, मज़े की मार्केट है, आप आएँ तो बस दिल करिए कि मैं सब कुछ ले जाऊँ यहाँ से। थोड़ा वैसे भी के ख्याल करूँ कि इस तरह ना हो कि कोई लेडीज़ गुलाम आने, उसका भी ख्याल रखना है। उसके अलावा ये जो है मैंने सुना है बहुत मज़े की होती है, और सॉरी तो खाली है, किरी और कश्ता मुझे लगता है बहुत, ये तो ट्राई करनी चाहिए लेकिन इस वक्त नहीं लेंगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स का पूरा मिलता है, प्राइसेस में भी मेंशन होंगे। ये 9 रियाल्स कितने एप्पल हैं, उसके अलावा ये भी 9 रियाल्स के हैं। ये केले हमारे यहाँ अगर कोई देखे तो वो कहेगा कि कच्चे हैं और कलरफुल सा डिपार्टमेंट है, तो ये बहुत मज़े का ही लग रहा है मुझे तो। दालें भी आ गई, घर का सामान, दालें चावल 70 रियाल, 69 रियाल 50 हलाला के, ये 5 केजी हैं। और ये हैं पता नहीं कौन सा नाम है, थोड़ा कुछ नीचे हो रहा है। मैगी भी मिल रहे हैं आपको, ये बिरयानी कुछ कब्सा फ्लेवर इनका। यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं वेजिटेबल्स और कुछ ग्रीन ग्रीन, बहुत प्यारा डिपार्टमेंट लग रहा है। इसके अलावा ये बहुत मज़े का इनका मेरिंडा सिट्रस एक मिलता है यहाँ पे सऊदीया में, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया है, तो जो भी आए वो ज़रूर ट्राई करें मेरिंडा सिट्रस, बहुत यम होता है वो। और ये फांटा सिट्रस है, ये भी बहुत अच्छा होता है लेकिन मरिंडा सिट्रस बहुत यम होता है। ये अलमराई के जूस बहुत अच्छे होते हैं, मैं मैंगो लवर हूँ तो मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पानी बहुत महंगा है तो उस हिसाब से अच्छी जो कंपनी है उनकी इतनी बड़ी बॉटल जो है वो 5 रियाल्स की होती है, जो छोटी कंपनीज हैं उनकी 2 रियाल्स की होती है। डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट चीज़ें। मैंने आज दिखाई ये बिंदाउद जो मक्का के अब्दुल अज़ीज़ गेट से पड़ती है, और यहाँ पे हर तरीके की चीज़ अवेलेबल है और आप आए जब भी कमरा पर, और अगर आपको कुछ भी चाहिए एक छत के नीचे तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत मज़े की हैं। और
अगर आप हैंड बैग्स वगैरह की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत एक्सपेंसिव लगे मुझे हमारे हिसाब से। लेकिन अगर आप खाने पीने की चीज़ों के बात करें, तो अगर आप आएँ और आपका बजट है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ की चीज़ें, बहुत मज़े की लगी मुझे तो। और चलते तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और साथ में थोड़े पिक्चर्स भी लगा दूँगी ताकि आप लोग देख। अल्लाह हाफ़िज़।